हेलो फ्रेंड्स, मैं स्कैन इंस्टीट्यूट से प्रीति आप सभी का इंग्लिश की क्लास में स्वागत करती हूँ। वेलकम दोस्तों। तो दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? हमने लास्ट क्लास में बात किया था कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, ठीक है। और फिर हमने एडजेक्टिव्स के टाइप्स देखे थे, ठीक है। तो जो लोग बिल्कुल नए हैं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनके लिए क्विक रिकैप दे देती हूँ। उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि आप मेरे साथ यूं ही जुड़े रहे, ठीक है। तो दोस्तों, एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन या फिर प्रोनाउन को फर्दर डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, बेसिकली डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। या फिर आप ये कह सकते हैं कि वो वर्ड्स जो कुछ फर्दर मीनिंग ऐड कर रहे होते हैं, आपको और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उन वर्ड्स को हम कहते हैं एडजेक्टिव्स, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो गुड, बैड, थिन, टॉल, फैट, ये सारे वर्ड्स क्या है? ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है। तो ये सारे वर्ड्स क्या हो गए? ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव्स हो गए, ठीक है। उसके बाद हमने एडजेक्टिव्स के टाइप्स देखे थे। तो एडजेक्टिव्स के टाइप्स क्या थे? जब हमने लास्ट क्लास में बात की थी, मैंने आपको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दी थी। तो उसमें हमने क्या देखा था कि एडजेक्टिव के टाइप्स क्या थे, जैसे कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी था, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी था, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर था। फिर एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में हमने देखा था कि हम उसे फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप वो वाली वीडियो एक बार ही जाके देख लें, वो आपको डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो आज वाली क्लास है ना दोस्तों, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास है। आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि जो लोग मेरे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, उनका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे। आज ही क्लास में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपके सारे डाउट्स मैं आज क्लियर करूंगी, ठीक है। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं बिना किसी फर्दर डिले के। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, द सेम एडजेक्टिव मे बी क्लास्ड एज ऑफ क्वांटिटी और नंबर, ठीक है। तो कई बार क्या होता है ना कि एक ही वर्ड है, मतलब सेम एडजेक्टिव को आप कई बार क्वांटिटी की तरह यूज कर सकते हैं और नंबर की तरह यूज कर सकते हैं। तो क्वांटिटी क्या था जब हमने बात की थी, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता था? जब भी हमें कोई वर्ड, कोई एडजेक्टिव हमें हाउ मच बता रहा होता था ना, तो हम उसे बोल देते थे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। लेकिन जब हमें कोई एडजेक्टिव हाउ मेनी, ठीक है, हाउ मेनी का आइडिया दे रहा होता था कि कितने, तब हम उसे बोल देते थे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, ठीक है। तो बेसिकली क्वांटिटी वाली चीज हमें बताती है हाउ मच, ठीक है, और नंबर वाली चीज हमें बताती है हाउ मेनी, ठीक है। तो दोस्तों, ये यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, हम एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कैसे यूज हो रहा है एडजेक्टिव क्वांटिटी की तरह भी और नंबर की तरह भी। तो हम देखते हैं, आई एट सम राइस, ओके। तो यहाँ पे आपको राइस की क्वांटिटी पता चल रही है, ठीक है, कि कितना चावल, थोड़ा चावल, ज्यादा चावल, आपको राइस की क्वांटिटी पता चल रही है। तो यहाँ पे जो सम वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है, लेकिन वो कौन सा एडजेक्टिव हो गया? वो एडजेक्टिव ऑफ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी वाली कैटेगरी में आ गया, वो आपको हाउ मच वाला आइडिया दे रहे हैं, ठीक है। सम बॉयज आर क्लेवर, इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं जो ये वर्ड सम है, यहाँ पे ये बॉयज के बारे में बता रहे हैं, कितने बॉयज, मतलब कुछ लड़के चलाक हैं, ठीक है। तो सम बॉयज आर क्लेवर, यहाँ पे ये नंबर की तरह यूज हो रहा है, कि पर्टिकुलरली कुछ लड़कों को चलाक बोला जा रहा है, यहाँ पे नंबर की तरह यूज हो रहा है। ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, ठीक है, आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि ऑल हिज वेल्थ, मतलब आपको आइडिया लग रहा है कि उसने अपनी सारी जितनी भी वेल्थ थी सब खो दी, ठीक है। ऑल मेन मस्ट डाई, ठीक है, तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे ऑल सबके लिए रेफर हो रहा है, ठीक है। यू हैव नो सेंस, ठीक है, देयर आर नो पिक्चर्स इन दिस बुक। तो आप देख सकते हैं कि सेम एडजेक्टिव कैसे यूज हो रहा है, क्वांटिटी में भी यूज हो रहा है और उसी को हम नंबर में कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। He did not eat any rice, ठीक है, मतलब उसने कुछ नहीं खाया, ठीक है। Are there any mango trees in this garden? तो आप यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ पे कोई आम का पेड़ है इस गार्डन में? तो यहाँ पे जो एनी है ना, वो एक नंबर की तरह रेफर कर रहे हैं, और उधर जो एनी था राइस के केस में, जो एनी आप यूज कर रहे थे, वो क्वांटिटी की तरह नहीं, कि उसने कुछ नहीं खाया, मतलब क्वांटिटी वाइज आप यूज कर रहे हैं। I have enough sugar, ठीक है, There are not enough spoons.
तो आप देख सकते हैं अच्छे से, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ही एडजेक्टिव वर्ड को आप क्वांटिटी में कैसे यूज करते हैं और एक ही एडजेक्टिव वर्ड को आप नंबर में कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। वो अलग अलग सेंटेंसेस में मीनिंग चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो हम फर्दर बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होते हैं। तो अब हम बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज मेंट। तो बेसिकली आपको यहाँ पे पता चलता है इन वाले एडजेक्टिव से, जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, आपको वहां से आइडिया लगता है कि किस इंसान या किस चीज के बारे में बात हो रही है, किसको रेफर किया जा रहा है, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया लगता है, जैसे कि दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन हरी। तो यहाँ पे आप बात कर रहे हो कि कोई इंसान आपके पास हो सकता है, तो आप उसको बोल रहे हो कि दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन हरी। आप यहाँ पे पॉइंट आउट करके बता रहे हो, आप रेफरेंस दे रहे हो कि इस लड़के से ये लड़का जो है ये हरी से स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, हरी से स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। दैट बॉय इज इंडस्ट्रियस, ठीक है। तो आप यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं, दिस दैट यूज कर रहे हैं, दीज मैंगोज आर सोल्ड, ठीक है। आप पर्टिकुलरली कुछ मैंगोज की बात कर रहे हैं, मतलब आप बता रहे हैं कि ये वाले जो आम है खट्टे हैं, ठीक है। योंडर फोर्ट वंस बिलोंग टू शिवाजी। अब फोर्ट्स तो कितने सारे हो सकते हैं, किले तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर आप पर्टिकुलरली यहाँ पे योंडर फोर्ट की बात कर रहे हो जो कि शिवाजी का था, तो यहाँ पर आप पॉइंट आउट कर रहे हैं फोर्ट को, ठीक है। डोंट बी इन सच अ हरी, ठीक है। आप पर्टिकुलरली बोल रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई हेट सच थिंग्स। कौन सी चीज, मतलब कोई इंसिडेंट हुआ होगा, मे बी कुछ अनोइंग चीज हुई होगी जो आपको पसंद ना हो, तो आप ऐसे बोलते मुझे ये नहीं पसंद। तो जो लोग आपके साथ हैं, जो आपको समझते हैं, उनको तुरंत पता चल जाएगा आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये कौन से वर्ड्स हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है, जो पॉइंट आउट करें थिंग को या फिर पर्सन को, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, यहाँ पे दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट बात है, मैं चाहूंगी आप इसे नोट बना के लिख लें। जब जब मैं आपको ये बताती हूँ ना कि ये इम्पोर्टेंट है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप उसे भी स्टार मार्क करके लिख लें, ताकि वो आपसे मिस ना हो। जब आप रिवाइज करें तो आप वो पॉइंट्स अच्छे से रिवाइज करें, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आंसर द क्वेश्चन विच। इट विल बी नोटिस दैट दिस एंड दैट आर यूज विद सिंगुलर नाउन्स एंड दीज एंड दोज विद प्लूरल नाउन, ठीक है। हाँ, जब हमने दीज मैंगोज की बात की थी, तो हमने दीज मैंगो नहीं बोला था ये इस वाले एग्जाम्पल में, अगर क्लियर नहीं हो रहा। जब हमने दीज मैंगोज की बात की थी, तो हमने ये नहीं बोला दीज मैंगो, हमने दीज मैंगोज बोला ना। मैंगो सिंगुलर फॉर्म होता है, मैंगोज प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये बात तो सही बोल रही है कि दीज एंड दोज विद प्लूरल नाउन्स, ठीक है, दिस एंड दैट विद सिंगुलर नाउन्स, ठीक है। तो आप समझ रहे, दिस या फिर दैट को हम यूज करेंगे सिंगुलर नाउन्स के साथ, ठीक है। दिस और दैट को हम यूज करेंगे सिंगुलर नाउन्स के साथ, और दीज एंड दोज को यूज करेंगे प्लूरल्स के साथ, ठीक है। तो आपको अब क्लियर आइडिया लग जाएगा कि कैसे यूज करना है। आपको पता चल गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जब हम पॉइंट आउट कर रहे होते हैं किसी स्पेसिफिक पर्सन या थिंग को, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब आप देख सकते हैं कि अभी उससे पहले एक और टाइप है, क्वेश्चन हम करेंगे, आई थिंक ये प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास है, पर थोड़े से एडजेक्टिव्स भी देख लेते हैं। तो व्हाट, विच एंड हूज, व्हेन दे आर यूज्ड विद नाउन टू आस्क क्वेश्चन, ये टू और आस्क अलग अलग है, टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। जब हम विच और हूज को नाउन के साथ यूज करते हैं ना, तो हम उन्हें इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब इंटरोगेटिव जो वर्ड है, अगर उसे हम तोड़े तो उसका क्या मतलब है। इंटरोगेटिव मतलब इंटरोगेशन मतलब किसी से क्वेश्चन पूछना। तो यही से आपको पता चल रहा है कि विच या फिर हूज जब भी आएगा, तो वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स होंगे, ये काफी क्लियर चीज है। जैसे सॉरी, व्हाट, विच एंड हूज, व्हेन, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स आप देख सकते हैं। तो हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। व्हाट मैनर ऑफ मैन इज ही, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं सामने वाले से।
विच वे शैल वी गो, हमें किधर जाना चाहिए, ठीक है, हूज बुक इज दिस, किसकी किताब है ये, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये जो वॉट विच हूज है ये क्या हो गए हमारे, ये हमारे इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स हो गए, ठीक है। तो आपने आज दो नए फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स को देखा, डेमोन्स्ट्रेटिव देखा और इंटेरोगेटिव देखा, और पुराने वाले तो आपको पता ही होंगे, आई होप आपको याद हो वो सारे एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो इट विल बी सीन, यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट में एक चीज लिखी है, हम उसे पढ़ लेना चाहिए। इट विल बी सीन दैट व्हाट इज यूज्ड इन जनरल सेंस एंड विच इन सिलेक्टिव केस, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जब हम व्हाट यूज करते हैं तो व्हाट हम बेसिकली काफी जनरल चीजों के लिए यूज करते हैं, और विच जब हमें कोई स्पेसिफिक चीज को या किसी सिलेक्टिव चीज को पॉइंट आउट करना होता है, कोई सिलेक्टिव क्वेश्चन पूछना होता है, तब हम विच यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एक नोट है दोस्तों, ये एक जनरल नोट है, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, तो आप सबका वेट ओवर है, अब हमारा क्वेश्चन वाला सेशन जो है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो साथ साथ मैं आपको डिस्क्राइब करती रहूंगी कि कौन सा फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव है, और साथ साथ हम क्या करेंगे, आंसर दे देंगे। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप सारे मुझे आंसर्स कमेंट्स में लिख के बताओगे, और किसी को कोई भी डाउट हो या कोई भी कंफ्यूजन हो, आई वॉन्ट कि आप सब मुझसे आज की क्लास में पूछ लें, ताकि आपको कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो प्लीज फील फ्री और मुझसे क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। The ship sustained heavy damage. तो दोस्तों the ship sustained damage भी तो बोल सकती थी ना मैं, मतलब मैं ऐसे भी बोल सकती थी कि the ship sustained damage, पर मैंने ऐसे ही बोल दिया the ship sustained heavy damage। तो एक further information मिल गई, तो आपको पता चल गया यहाँ पे adjective क्या है, हेवी यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। तो हमारा क्या काम क्या था, पिक आउट ऑल द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से टू विच क्लास ईच ऑफ देम बिलोंग्स। तो आपने एडजेक्टिव ढूंढ लिया कि इस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में सिर्फ एक ही एडजेक्टिव होगा, वो इस वाले केस में एक एडजेक्टिव है जो कि मैंने आपको बता दिया। पर अब उसके बाद काम यही खत्म नहीं हुआ, एडजेक्टिव तो आपने ढूंढ लिया, अब मुझे ये भी बताइए कि कौन सी कैटेगरी वो बिलोंग करता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन मैं आपके लिए कर दूंगी, इट्स ओके, आगे वाले क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप भी आंसर करें, ठीक है। तो द शिप सस्टेन हेवी डैमेज, अब आपको यहाँ पे डैमेज कैसा डैमेज, मतलब ठीक है आपको डैमेज का आइडिया लग रहा है, डैमेज के बारे में पता चल रहा है कि शिप को कैसा नुकसान हुआ, भारी नुकसान हुआ, हल्का नुकसान, कम नुकसान, ज्यादा नुकसान। तो आपको जब हम बात करते थे, अगर मैं थोड़ा रिवाइंड करवाऊं या फ्लैशबैक में लेके चलूं आपको, तो जब हम बात करते थे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी की, जब हम व्हाट काइंड, तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी में हम वो चीजें डिस्कस करते थे ना कि कैसा, व्हाट काइंड, ठीक है। तो ये कौन सा एडजेक्टिव हो गया दोस्तों, ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे थोड़े शॉर्ट फॉर्म्स देख लेते हैं, क्योंकि आप साथ साथ में आंसर करने वाले, आई डोंट वांट कि आपका टाइम वेस्ट हो। तो हम क्या करते हैं कि हम सारे जो टाइप्स हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। मैं यहाँ पे एक फर्दर आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, दो मिनट लगेंगे, फिर उसके बाद आप समझ जाएंगे और आपको ज्यादा डिले करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आपको फिर वो क्वेश्चन इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। तो दो मिनट लगा लेते हैं यहाँ पे, साथ में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, आई होप सबको दिख रहा है। फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। उसके बाद था हमारा जो हमने आज देखा वो क्या था, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव था, और उसके बाद हमारा जो अलग था वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव था, ठीक है। तो एक था हमारा इंटेरोगेटिव, ठीक है, और उसके बाद सॉरी इंटेरोगेटिव का सीक्वेंस अलग था, उससे पहले हमने देखा था, उससे पहले हमने बात की थी डेमोन्स्ट्रेटिव की, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, यहाँ पे तो हमें मतलब होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने से, तो आप अगर आपको आइडिया लग रहा है तो इट्स ओके, तो सीक्वेंस आगे पीछे भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव, उसके बाद अगला एडजेक्टिव था जो डेमोन्स्ट्रेटिव था, ठीक है।
आई होप आपको मेरी राइटिंग समझ आ रही है, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक हमने इतने एडजेक्टिव्स देखे थे, और एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में भी ना दोस्तों हमने उसे फर्दर क्लासिफाई किया था तीन तरीकों में, ठीक है। जब हमें एग्जैक्ट नंबर पता होता था, ठीक है, तो हम उसे बोल देते थे डेफिनाइट, ठीक है। जब हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता था, जब आपको नहीं पता कि कितने कौन से कितने नंबर हैं, या नंबर का काउंट आपको नहीं पता था, हम उसे बोलते थे इनडेफिनेट, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद जब हम सबको रेफर करते थे तो हम उसको बोल देते थे डिस्ट्रीब्यूटिव। तो लास्ट क्लास में भी मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया था, तो आपको आइडिया लग जाएगा अगर आप उस फ्लो चार्ट पर रेफर करें, बट ठीक है, अब हम सबको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी की जब हम बात करते थे ना दोस्तों, तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी जब हम बात करते थे कैसी चीज, जैसे कि अगर मैं बोल जैसे मैं बोलूँ वो बहुत सुंदर लड़की है, तो कैसी लड़की है, सुंदर लड़की है, वो आपको उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी में हम क्वेश्चन कैसे बोल, क्या होता था हमारा मेन क्वेश्चन, व्हाट काइंड। मैं ना पेन का कलर चेंज कर देती हूँ क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो लेट्स यूज ब्लैक कलर, ठीक है। तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी में ना हम बात करते थे व्हाट काइंड की, ठीक है, कैसा, कैसी क्वालिटी, ठीक है। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में हम बात करते थे हाउ मच की, कितना, ठीक है। और एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में अगर मैं ब्रॉडली क्लासिफाई करूं तो इसका कलेक्टिव टर्म होता था हाउ मेनी, ठीक है। जहां पे हमें डेफिनाइट वाली चीज में एग्जैक्ट नंबर पता होता था, एग्जैक्ट नंबर पता होता था आपको डेफिनेट वाली केस में, इनडेफिनेट वाले में आपको एग्जैक्ट नंबर पता नहीं होता था। इनडेफिनेट वाले में नो आइडिया ऑफ एग्जैक्ट नंबर, ये एनओ नंबर के लिए यूज हो रहे, ठीक है दोस्तों। और डिस्ट्रीब्यूटेड में जब हम रेफर करते थे ऑल को, ठीक है, ईच को, ठीक है। तो दोस्तों आप ये फ्लो चार्ट मैंने बना दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए, तो आप एक बार ही देख सकते हैं। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स जो वो वाले वर्ड्स जो नाउन के साथ यूज होते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो इंटरोगेटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव आई डोंट थैंक यू, मुझे अभी एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्योंकि हमने 2 मिनट पहले एक्सप्लेन किया है ये सारी चीजें, तो आपको ये क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं, हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है, हम क्वालिटी के लिए यूज करेंगे क्यू, क्वांटिटी के लिए हम यूज कर लेंगे स्मॉल क्यू, और एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में हम यूज कर लेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में मैं नंबर लिख दूंगी और नंबर के आगे डी, ठीक है। अगर ये डेफिनाइट होगा तो एन डी, इनडेफिनाइट होगा तो एन आई, और डिस्ट्रीब्यूटिव होगा तो एन डिस्ट्रीब्यूटिव लिख दूंगी। इंटरोगेटिव में हम आई यूज करेंगे और सिर्फ डेमोन्स्ट्रेटिव में हम डी यूज करेंगे ताकि फटाफट क्वेश्चन हो जाए और आप भी मुझे फटाफट बता दें। इसमें हम एन के साथ फर्दर यूज करेंगे, ठीक है। तो आप ये सारे, अगर आपको पूरा पूरा नाम बताना है तो पूरा नाम भी बता सकते हैं, पर मैं आपके काम को आसान करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये जो क्वेश्चन आंसर वाला प्रोसेस है इंटरेस्टिंग हो जाए, इसलिए मैंने ये शॉर्ट फॉर्म क्रिएट किया, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप पूरा नाम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास इतना टाइम है तो पूरा नाम यूज करें, वेरी नाइस, ठीक है। तो द शिप सस्टेन हैवी डैमेज, हैवी यहाँ पे आपको क्वालिटी की तरह यूज हो रहा है, तो ये एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी हो गया। तो ये क्या हो गया, क्यू। अब यहाँ पे पेन चेंज करने की जरूरत है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये हो गया क्यू, क्यू क्या, चलो मैं यहाँ पे पहले क्वालिटी लिख देती हूँ ताकि आप फर्दर कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, ठीक है। आई हैव कॉल्ड सेवरल टाइम्स, तो अब दोस्तों पहला वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया, अब सेकंड वाला क्वेश्चन आई होप कि आप लोग सॉल्व करें। तो आपके पास कुछ, मैं आपको 30 सेकंड्स का टाइम देती हूँ, आप जल्दी से सॉल्व करके आंसर कमेंट्स में बताइए, ठीक है। जल्दी करिए दोस्तों, टाइम बीतता जा रहा है, ठीक है। आई हैव कॉल्ड सेवरल टाइम्स, आपको सबसे पहले एडजेक्टिव ढूंढना है, उसके बाद आपको बताना है कि वो कौन सी कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो आप जल्दी से ये काम कर सकते हैं, आसान सेंटेंस है, जल्दी करिए।
हो गया होगा दोस्तों, आई होप आपसे सॉल्व, जिनसे नहीं हुआ कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन पे ये नहीं हुआ था यार, कोई बात नहीं, आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों आई हैव कॉल्ड सेवरल टाइम्स, यहाँ पे आप, यहाँ पे बात हो रही है नंबर की, कि आपने कितनी बार ये कॉल किया ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सेवरल है ये नंबर की तरह यूज हो रहा है, पर क्या आपको एग्जैक्ट आइडिया लग रहा है? अब मैं अपने फ्रेंड को बोलूंगी यार मैंने इतनी बारी फोन किया तूने मेरा फोन नहीं उठाया, मैं से बोल सकती हूँ ना, पर क्या मैंने एग्जैक्ट नंबर मेंशन किया? आपको ये पता चल गया कि ये जो एडजेक्टिव है ये एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर वाली चीज है, बट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में भी तो यार तीन चीजें थी ना, जब आपको एग्जैक्ट नंबर पता होता था, जब एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता था, तो ये कौन सा वाला केस हो गया? जब एग्जैक्ट नंबर नहीं पता कौन सा, तो ये हो गया इनडेफिनेट वाला केस ठीक है। तो ये क्या हो गया इनडेफिनेट, आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता ठीक है दोस्तों। तो ये इसका जो हम इसे बोलेंगे नंबर वाले केस में हो गया ये इनडेफिनेट वाला एडजेक्टिव ठीक है। आई होप आपको ये क्लियरली दिख रहा हो, बाकी आई थिंक ये दिख रहा है ठीक है। तो दोस्तों हम इसको ना जो सेवरल वर्ड है इसे इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये नंबर वाला है तो इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, पर मैं यहाँ पे शॉर्ट रखना चाहती हूँ तो ये इनडेफिनेट ठीक है। एवरी डॉग हैज हिज डे, दोस्तों फाइंड आउट द एडजेक्टिव और मुझे ये बताइए कि कौन से कैटेगरी में, आपके पास 15 सेकेंड है, आसान है क्योंकि मैंने ऊपर वाला थोड़ा एक्सप्लेन किया, तो आई होप सेकेंड वाला आप कर लेंगे खुद से। तो मैं आपको 15 सेकेंड का टाइम देती हूँ, फटाफट इसका आंसर दीजिए ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो लेट्स डिस्कस इट, एवरी डॉग हैज हिज डे ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम हर कुत्ते का दिन आता है, फेमस डायलॉग भी है, बट ठीक है मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे एडजेक्टिव है एवरी, मतलब ठीक है कुत्ते का दिन आता है बोल सकते थे, फिर आपने बोल दिया हर कुत्ते का दिन आता है, तो एवरी डॉग हैज हिज डे। पर अब एवरी कौन सा एडजेक्टिव है? यहाँ पे एवरी नंबर की तरह यूज हो रहा है और एवरी सबको डिनोट कर रहा है, तो जो सबको डिनोट करता था, ईच को पॉइंट आउट करता था, उसे हम क्या कहते थे? डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव ठीक है। तो ये कौन सा एडजेक्टिव हो गया? ये डिस्ट्रीब्यूटिव वाला हो गया, नंबर वाले में भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव, नंबर की तीन टाइप्स है, पर नंबर वाले में भी कौन सा वाला हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव वाला हो गया ठीक है। मैं लिख रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, बट आपके लिए आप मुझे ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी आंसर दे सकते हैं फटाफट के लिए ठीक है, मैं आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं पूरा लिख रही हूँ ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, अ लाइव एस इज बेटर देन अ डेड लायन। तो दोस्तों ये काफी नॉन मुहावरा भी है ठीक है, जिन नहीं पता हम डिस्कस करेंगे, बट मैं चाहूंगी कि आप इसका आंसर फटाफट कीजिए ठीक है, आपके पास 15 सेकेंड्स का टाइम है। तो दोस्तों जल्दी कीजिए, टाइम ओवर हो रहा है। अ लाइव एस इज बेटर देन अ डेड लायन, जरूरी नहीं है कि एक ही एडजेक्टिव हो, एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं ठीक है। तो दोस्तों टाइम ओवर हो गया, डिस्कस कर ले ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले एडजेक्टिव ढूंढ लेते हैं ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जरूरी नहीं है एक ही एडजेक्टिव होगा सेंटेंस में, तो इसमें एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स हैं, वो एक हिंट था। तो दोस्तों आई लाइक अ लाइव एस इज बेटर देन अ डेड लायन ठीक है, कैसा गधा ठीक है, जिंदा गधा कैसा, बेटर ठीक है, कैसे शेर से, डेड शेर से ठीक है। तो लाइव एस इज बेटर देन अ डेड लायन, तो आपको यहाँ पे थोड़ा अगर आप फ्लैशबैक में जाओ तो आपको व्हाट काइंड वाली चीज थोड़ी फीलिंग आ रही है कि व्हाट काइंड वाली चीज हो रही है, कैसा कैसा गधा एक कैसे शेर से बेटर है। तो बोलते हैं ना कि जिंदा गधा एक मरे हुए शेर से
बेहतर है, मतलब इट्स लाइक ठीक है यार, आप एटलीस्ट गधे पे सामान तो डाल सकते हो ना, उससे आप पैसे कमा सकते हो, लेकिन क्या मरे हुए शेर से पैसे कमा सकते हो? मरा हुआ शेर तो मर गया, अब उसका कोई यूज नहीं। ठीक है वो अपने टाइम पे शेर होगा, बट अब जो गधा है वो जिंदा है, वो काम कर सकता है यार आपके लिए, आपको पैसे लाके दे सकता है। तो शेर शेर था, चला गया शेर, पर अब गधा ही काम आने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे लाइफ बेटर और जो डेड है, ये कैसे एडजेक्टिव्स हैं दोस्तों? ये आपको व्हाट काइंड वाली फीलिंग दे रहे हैं ना, मतलब कंपेयर कैसा क्वालिटी वाली फीलिंग दे रहे हैं, तो ये कौन से एडजेक्टिव्स हो गए? ये एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी हो गए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप सबको पता चल रहा होगा ये तीनों एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एवरी मैन हैज हिज ड्यूटीज। तो दोस्तों ये सिमिलर क्वेश्चन हमने अभी थर्ड वाला क्वेश्चन किया था, थर्ड से मिलता जुलता क्वेश्चन है, बिना किसी देरी के आप इसे तुरंत सॉल्व कीजिए, 10 सेकंड्स का टाइम दे रही हूँ मैं आपको ये करने के लिए। थर्ड वाले क्वेश्चन से बिल्कुल सेम है यार, इसमें ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि सेम एग्जाम्पल मिल गया, बस न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज हो गई। मैथ्स वाले मैथ्स टेस्ट में होते थे ना, अरे यार हमने क्वेश्चन देखा सेम क्वेश्चन था पर थोड़ी वैल्यूज अलग थी, पर आपने किया हुआ था, सेम क्वेश्चन है दोस्तों ये। आई होप आपको समझ आ रहा हो कि सेम कैसे है। सॉरी थोड़ी डिस्टर्बेंस कर रहा है। तो दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, एवरी मैन हैज हिज ड्यूटीज। तो यहाँ पे जो एवरी मैन है ये हम नंबर की तरह ट्रीट कर रहे हैं इसे, और एवरी मैन ये ईच वाली चीज है, मतलब सबको पॉइंट आउट कर रहे हो आप, तो ये कौन सा हो गया? नंबर में भी डिस्ट्रीब्यूटिव वाली चीज हो गई। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था थर्ड वाले से मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो ये एग्जैक्टली वैसा ही था, कुछ नया नहीं था इसमें। ठीक है, से द सेम थिंग ट्वाइस ओवर। ठीक है, तो दोस्तों अब ये सिक्स वाला क्वेश्चन, इसमें आप एडजेक्टिव ढूंढिए और उसके बाद मुझे बताइए वो एडजेक्टिव कौन सा है, कौन से केस को, कौन से टाइप को बिलोंग करता है। ठीक है, दोस्तों जल्दी करिए प्लीज, 10 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, एडजेक्टिव ढूंढ उसका एडजेक्टिव ढूंढे और मुझे बताएं कि वो कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करता है। ठीक है, तो दोस्तों हम डिस्कस कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, से द सेम थिंग ट्वाइस ओवर। ठीक है, तो अब आप बताइए कि यहाँ पे क्या है एडजेक्टिव, अगर आप ध्यान से देखें आपको समझ आएगा कि हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि फिर से बोलो जो आपने पहले कहा था उसको दोबारा बोलिए, आप किसी को बोलते हैं ना यार दोबारा बोलो, तो आप उस चीज को पॉइंट आउट करते हो पर्टिकुलरली कि यार इस चीज को बोलो। ठीक है, मैम मुझे समझ नहीं आया कि आप इसे रिपीट कर सकते हैं, मैम ने आपको कुछ समझाया, जैसे आप मुझे भी बोल सकते हैं कि मैम मुझे समझ नहीं आया आप दोबारा रिपीट कर दीजिए। ठीक है, तो आप पर्टिकुलरली एक चीज को पॉइंट आउट कर रहे हो, और अभी हमने 2 मिनट पहले देखा था कि जब हम पर्टिकुलरली एक चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं तो हम उसे क्या कहते थे, उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते थे, है ना? तो ये जो सेम है तो ये क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, ये इजी था दोस्तों, इसमें कोई ट्रिक नहीं थी। ठीक है, बट थोड़ा नया था, अभी तक जो हम एग्जाम्पल्स कर रहे हैं उससे थोड़ा नया था। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। आगे वाला क्वेश्चन है, सेवरल पर्संस वर प्रेजेंट एट द टाइम। ठीक है, तो आप मुझे इसमें एडजेक्टिव्स बताइए और उसके बाद बताइए कि एडजेक्टिव क्या, कौन सा टाइप है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा टाइम दे रही हूँ, तब तक आप मुझे बता सकते हैं। ध्यान रहे, एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, मतलब एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको छोटी सी हिंदी है मैंने, तो आप तो स्मार्ट है ही, आपको पता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो चलिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं, सेवरल पर्सन्स वर प्रेजेंट एट द टाइम। ठीक है, तो ठीक है
ये सेवरल वाले से तो आपको ऊपर आइडिया लग ही चुका है क्योंकि हमने सेवरल वाला क्वेश्चन है कवर करा था, और इसके बाद बट जरूरी नहीं है यार दोस्तों कि हमने ऊपर देखा तो वो सेम चीज होगी। अभी हमने थोड़ी देर पहले वो देखा था ना कि क्वांटिटी और नंबर वाली चीज है ना, एक ही एडजेक्टिव कैसे यूज होता है अलग अलग सेंटेंसेस में, बट ठीक है आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सेवरल पर्सन वर प्रेजेंट एट द टाइम, ठीक है, तो यहाँ पे सेवरल और प्रेजेंट दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं, तो सेवरल कौन सा एडजेक्टिव है? आपको पर्सन्स को आप जो यहाँ पे आप काउंटिंग की तरह ट्रीट कर रहे हो, नंबर की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो इट्स लाइक, पर आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। आपको पता है कि बहुत सारे लोग मौजूद थे पर आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, और जब एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता तो हम उसे क्या बोलते थे? इनडेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, है ना। तो दोस्तों ये सेवरल हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया इनडेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है। वर्ब प्रेजेंट एट द टाइम, अब आपको वर्ब प्रेजेंट, वर्ब एब्सेंट, मौजूद थे नहीं थे, या आपको क्या बता रहे हैं, व्हाट काइंड वाली फीलिंग दे रहा है, तो ये क्या होगा? क्या होगा? ये क्वालिटी वाला एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये क्लियर हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा, मतलब ये क्वालिटी वाला एडजेक्टिव है जो आपको क्वालिटी के बारे में बता रहा है। डिस्क्रिप्टिव है आपको, मतलब एडजेक्टिव ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स एक ही चीज है, ठीक है दोस्तों, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। तो जो ये वाली चीज है ना, ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, हम ये उनके लिए यूज करते हैं जो बहुत कम बोलना पसंद करते हैं, जो ज्यादा नहीं बोलते, ठीक है, कम कम बोलते हैं, उनके लिए यूज होता है। अब आप इसमें मुझे एडजेक्टिव्स बताइए और मुझे ये बताइए कि ये कौन से टाइप का एडजेक्टिव है, ठीक है। आपको मैं 10 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपके सारे डाउट्स यहीं पे क्लियर हो जाए, आपको बाद में कुछ भी चीज की टेंशन ना लेनी हो, सब कुछ क्लियर हो, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है, आपका कम टाइम लगे, ताकि आप ये वीडियो देखे, आप उसी टाइम एक्सरसाइज कर ले प्रैक्टिस, आपको अलग से कोई एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने की जरूरत ना पड़े, और फिर जब आप फाइनली रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको पता होगा, क्योंकि आपने इतने सारे क्वेश्चन देख लिए होंगे, इसलिए हमारा मोटो है कि हम इतने सारे क्वेश्चन कवर करें, ठीक है। और साथ साथ ये भी चेक हो रहा है कि कितने लोग रिवाइज करते हैं, कितने लोग पंचुअल हैं, ठीक है, तो वो भी पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलो हम ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, तो दोस्तों इसमें आपको ये समझ आ रहा है कि ठीक है, फ्यू वर्ड्स, यहाँ पे जो वर्ड्स हैं फ्यू वर्ड्स नंबर की तरह ट्रीट हो रहे हैं, पर आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, आपको आइडिया नहीं कि कितने, ठीक है, फ्यू वर्ड्स, पर यार कितने वर्ड्स, आइडिया तो नहीं लग रहा ना आपको। तो जब आपको नंबर का आइडिया नहीं लगता तो आप उसे क्या बोल देते थे? इनडेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव्स बोल देते थे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इनडेफिनाइट, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा दोस्तों। तो हम अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट टाइम इज इट, ये इफ नहीं है, ये इज इट है, व्हाट टाइम इज इट, ठीक है। तो आप इसे बताइए, बहुत इजी है यार दोस्तों, अभी हमने ये वाला डिस्कस किया है ऊपर ही, अभी ये वाली एडजेक्टिव्स की बात तो हमने आज ही की है, तो आई थिंक आप ये फटाफट आंसर कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों मैंने एक चीज रियलाइज की कि 9th वाला जो क्वेश्चन है उसमें बहुतों का डाउट हो सकता है कि जब हम ईच की बात करते हैं तो किसी किसी को ये भी लग सकता है कि ये जो नाइदा वाली चीज है ये तो किसी के लिए नहीं है, बट दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है ना कि नाइदा पार्टी इज क्वाइट इन द राइट, मतलब जब हम बोलते हैं ना कि कोई भी सही नहीं है, ठीक है, तो जब हम कोई भी जब रेफर कर रहे हैं तो हम बेसिकली सबको ही पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये जो नाइदा वाली चीज है ये बेसिकली क्या है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि यार वो पॉइंट आउट वाली चीज तो सबके लिए होती थी, पर यहाँ पे तो किसी को भी इंक्लूड नहीं किया,
ठीक है, ये मैंने अभी रियलाइज किया। बट दोस्तों यहाँ पे ये देखो ना कि यहाँ पे जब आप नाइदर की भी बात कर रहे हो तो आप सबको फ्रेम मिलेगा, बोल रहे हो कि कोई भी सही नहीं है, ठीक है, तो बेसिकली सबको कहीं ना कहीं पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो इसलिए ये वाला जो है डिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है। तो आई होप कोई कंफ्यूजन ना हो इस वाले सेंटेंस में। तो हम अगला वाला क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया होगा, हम वो वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। What time is it? तो ये हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो क्वेश्चन जो नाउन के साथ यूज होते हैं, जैसे कि टाइम एक नाउन है और नाउन के साथ वर्ड यूज हुआ, तो ये वाले जो वर्ड्स होते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। तो ये कौन सा एडजेक्टिव हो गया हमारा, यहाँ पे जगह नहीं बची बट मैं यही लिख देती हूँ, इंटरोगेटिव, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो हमने 10 क्वेश्चन देख लिया, अब हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो Which pen do you prefer? आपको मैं ये करने के लिए 10 सेकेंड दे रही हूँ, बहुत आसान है, अभी हमने अभी अभी डिस्कस किया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इट्स लाइक ये आपके बाय उंगलियों का खेल है, फटाफट कीजिए यार दोस्तों। Which pen do you prefer? ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और जब हम क्वेश्चन पूछते हैं नाउन के साथ तो क्या होते थे, इतनी सारी चीज बता दी है मैंने, कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, तो देख ही लेते हैं इसे। विच पेन डू यू प्रेफर, तो दोस्तों जब नाउन के साथ विच व्हाट यूज होता है, हुज यूज होता है, तो वो इंटरोगेटिव होता था, इंटरोगेटिव होता था, तो ये क्या हो जाएगा, ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, द वे वॉज लॉन्ग, द विंड वॉज कोल्ड, द मिनिस्ट्रियल वॉज इनफॉर्म एंड ओल्ड। ओके, अब ये एक सेंटेंस है थोड़ा कॉम्प्लेक्स, इसमें चाहिए थोड़ी सी मेहनत या थोड़ा सा दिमाग, ज्यादा एफर्ट्स नहीं, थोड़े से एफर्ट। तो मैं आपको ये क्वेश्चन करने के लिए 30 सेकंड दे देती हूँ, आप करिए इस वाले क्वेश्चन को, तब तक मैं आपका वेट कर रही हूँ, आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ। तो दोस्तों टाइम हो चुका है, देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन भी। तो द वे वॉज लॉन्ग, सबसे पहले हमें एडजेक्टिव्स ढूंढना है, तो द वे वॉज लॉन्ग हमें बता रहा है वे के बारे में, द विंड वॉज कोल्ड विंड के बारे में, द मिनिस्ट्रियल वॉज इनफॉर्म, ठीक है मिनिस्ट्रियल के बारे में बता रहा है, इनफॉर्म एंड ओल्ड। तो दोस्तों ये कौन से एडजेक्टिव्स हो गए, ठीक है हमें पता चल गए चार एडजेक्टिव्स हैं इस सेंटेंस में, पर कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं एडजेक्टिव्स। तो दोस्तों द वे वॉज लॉन्ग, यहाँ पे बात हो रही है रास्ते की, कि ठीक है रास्ता लंबा था, तो जब आपको किसी चीज के बारे में पता चलता है, किसी चीज की क्वालिटी के बारे में पता चलता है, तो वो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी वाली चीज में आता है ना दोस्तों, व्हाट काइंड वाली चीज। द विंड वॉज कोल्ड, ठीक है हवा ठंडी थी, हवा की क्वालिटी के बारे में आपको पता चल रहा है कि हवा ठंडी थी, तो कोल्ड क्या हो गया, एक क्वालिटी वाला वर्ड हो गया जो आपको उसकी क्वालिटी डिस्क्राइब करके बता रहा है। द मिनिस्टर, मिनिस्टर बेसिकली सिंगर्स के लिए यूज होता है, जो मिडल एज के सिंगर्स होते थे उन्हें हम मिनिस्टर कहते हैं, ठीक है। तो द मिनिस्टर वॉज इनफॉर्म एंड ओल्ड, इनफॉर्म एंड ओल्ड आपको मिनिस्टर की क्वालिटीज बता रहे हैं, तो ये चारों आपको क्वालिटीज बता रहे हैं, लॉन्ग आपको वे की क्वालिटी बता रहे हैं, कोल्ड आपको विंड की क्वालिटी बता रहे हैं, इनफॉर्म और ओल्ड आपको मिनिस्टर की क्वालिटी बता रहा है, तो ये चारों क्या हो गए दोस्तों, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी हो गए, ठीक है। तो बेसिकली क्वालिटी वाली चीज है, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, काफी सिंपल था ये, बट ठीक है मैं मान सकती हूँ थोड़ा ट्रिकी था। अगला क्वेश्चन, ही कम्स हियर एवरी डे, तो दोस्तों इसमें एडजेक्टिव ढूंढिए और मुझे बताइए कि वो कौन से टाइप में है। तो आई होप दोस्तों ये हो गया होगा, छोटा सा क्वेश्चन है, एडजेक्टिव ढूंढना और बताना है कि एडजेक्टिव कौन सा वाला एडजेक्टिव है। तो दोस्तों ही कम्स हियर एवरी डे, ठीक है ओके। अब आपको ये एवरी डे वाली जो चीज है ये आपको किस चीज का आइडिया दे रही है,
ठीक है, आपको डेज का नंबर बता रही है, हर रोज आता है, पॉइंट आउट कर रही है, मतलब वो ईच वाली चीज को पॉइंट आउट कर रही है हर, तो ये एवरी क्या हो गया? ठीक है, नंबर है, हमें समझ आ गया, डे को हम नंबर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, बट एवरी वाली चीज डिस्ट्रीब्यूटिव हो गई ना दोस्तों, जब ईच वाली चीज आ जाती है, जब हम सबको रेफर कर रहे होते हैं, तो ये कौन सी वाली चीज हो गई दोस्तों? ये डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, जो कि न्यूमरल एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर का टाइप है, ठीक है। आई नो ये टर्म्स थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है, पर अगर आप लास्ट वाली वीडियो देखेंगे ना, तो वहां पे आप डिफरेंस समझेंगे, क्योंकि वहां पे हमने बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ समझाया है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ये इतना टफ नहीं है। तो जो बिल्कुल नए हैं उनको थोड़ा टफ लग रहा होगा, और जो अभी अभी आए उनको तो काफी आसान लग रहा होगा यार। ये अगला क्वेश्चन, ये तो काफी फन एक्टिविटी है, इट्स लाइक कि मेहनत कर करके थक गए, थोड़ा फन कर लेते हैं, तो हमने क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। तो आई हैव नॉट सीन हिम फॉर सेवरल डेज, भाई ये तो इतनी बार ही आ गया है ना, अब आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि कौन सा फॉर्म है, ठीक है, इसमें बिना किसी देरी के आप इसे सॉल्व कीजिए। तो दोस्तों क्योंकि 14 वाला बहुत बार आ चुका है, तो मैं इसको डिस्कस कर देती हूँ। तो बेसिकली आई हैव नॉट सीन हिम फॉर सेवरल डेज, ठीक है, यहाँ पे आप डेज की बात हो रही है, बट आपको यहाँ पे डेज का आइडिया नहीं, ऊपर एवरी डे सबको पॉइंट आउट कर रहे थे, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। अब आपको यहाँ पे डेज का आइडिया नहीं, और जो जब हमें एग्जैक्ट नंबर का आइडिया नहीं होता, तो वो क्या होते थे? वो होते थे इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, है ना। जब आपको एग्जैक्ट नंबर का आइडिया होता है, वो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं। तो जब आपको एग्जैक्ट नंबर का आइडिया नहीं है, तो वो क्या हो जाए? इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, ठीक है। इसमें आप ये बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, इजी था, ज्यादा सोचना नहीं था, ठीक है, तो इसलिए मैंने ये कर दिया सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देयर शुड नॉट बी मच टॉक एंड लिटिल वर्क, ठीक है। वो क्या सबके पेरेंट्स बोलते होंगे ना कि काम ज्यादा बातें कम, काम ज्यादा करो और ये मुंह कम चलाओ, सबने ये अपने लाइफ में सुना होगा, तो वही चीज है। तो आप इसमें एडजेक्टिव्स ढूंढिए और मुझे बताइए कि कौन से टाइप को बिलोंग करते हैं वो, ठीक है। 10 seconds का टाइम दे दूंगा आपको। तो दोस्तों हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं देयर शुड नॉट बी मच टॉक, ठीक है, मच टॉक एंड लिटिल वर्क। तो अभी तक की वाली चीज अभी आई है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, जब हम बात करते थे हाउ मच, ठीक है, तो ये वो वाली चीज हो गई, कितना, मतलब बातें ज्यादा नहीं होनी चाहिए और काम कम नहीं होना चाहिए। तो आपको ये क्या हो गया हमारा, ये क्वांटिटी वाला एडजेक्टिव हो गया, तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, ये भी इजी था, इसमें भी ज्यादा मुश्किल थी नहीं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, अब्दुल वन द सेकेंड प्राइज, ठीक है, तो ये भी आसान है, लास्ट क्लास में हमने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल एक्सप्लेन किए थे आपको, तो आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको मैं 15 seconds का टाइम दे रही हूँ, फटाफट कीजिए। तो दोस्तों 15 seconds का टाइम है, 5 seconds बचे हैं, फटाफट कीजिए। दोस्तों चलो ये वाला देख लेते हैं, अब्दुल वन द सेकेंड प्राइज, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, अब्दुल वन द प्राइज भी हो सकता था, पर मैं बोल रही हूँ अब्दुल वन द सेकेंड प्राइज, मैं आपको बता भी रही हूँ कि वो दूसरे स्थान पे आया है। तो ये जो सेकेंड है हमारा एडजेक्टिव है, और जो सेकेंड है कौन सा एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि हमने कार्डिनल और ऑर्डिनल्स की बात की थी ना वो न्यूमरल एडजेक्टिव वाली चीज में। तो आपको यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर पता है कि कौन से नंबर पे आया है वो इंसान, सेकेंड प्राइज जीता है भाई, कोई छोटी बात नहीं है। तो जब आपको एग्जैक्ट नंबर पता होता है, उसे हम क्या कहते हैं, डेफिनेट, उससे हम बोलते हैं डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, जब आपको एग्जैक्ट नंबर पता होता है। तो ये क्या हो जाएगा, डेफिनेट, ठीक है, आपको पता है एग्जैक्ट नंबर।
अगला क्वेश्चन, द चाइल्ड फेल डाउन फ्रॉम अ ग्रेट हाइट, ठीक है। तो अब इसमें मुझे एडजेक्टिव बताइए और साथ में किस कैटेगरी में आता है वो बताइए। दोस्तों ये वाला आसान है, इसमें ज्यादा मुश्किल है नहीं, ठीक है। तो दोस्तों हम डिस्कस कर लेते हैं वाला क्वेश्चन भी। द चाइल्ड फेल डाउन फ्रॉम अ ग्रेट हाइट, तो यहाँ पे ग्रेट हमारा एडजेक्टिव है और ग्रेट मतलब ठीक है एक अच्छी है, ग्रेट का मतलब कि एक अच्छी खासी ऊंची जगह से गिर गया बच्चा, ठीक है। तो ग्रेट बेसिकली आपको कैसा आइडिया दे रहा है, ये आपको क्वालिटी बता रहा है। तो क्वालिटी वाले एडजेक्टिव क्या होते थे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वालिटी वाला हो गया, ठीक है दोस्तों। 18th क्वेश्चन है, He was absent last week. ये भी बहुत आसान है, इसमें भी आपको ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो आपको मैं 15 सेकेंड दे रही हूँ, 15 सेकेंड में आई होप ये हो जाना चाहिए, तो डू इट दोस्तों। तो दोस्तों हम देखते हैं, ही वॉज एबसेंट लास्ट वीक, तो एबसेंट है, प्रेजेंट है, ये हमें बेसिकली क्वालिटी ही बता रहे हैं ना, ठीक है। तो ये एबसेंट क्यों हो गया, व्हाट काइंड, तो ये क्या हो गया, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन दे रहा है आपको, डिस्क्रिप्टिव या फिर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी एक ही चीज है। तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव या फिर क्वालिटी वाली चीज हो गई, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ही डाइड अ ग्लोरियस डेथ, तो आपको इसमें मुझे एडजेक्टिव बताना और वो कौन सा टाइप है आपको मुझे वो बताना है। तो इसके लिए मैं आपको 15 सेकंड दे रही हूँ, बहुत आसान है। तो दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं, ही डाइड अ ग्लोरियस डेथ, ग्लोरियस डेथ, ही डाइड भी तो बोल सकती हूँ ना, बट ग्लोरियस डेथ, पता है ग्लोरियस डेथ क्या होता है, जो ऑनरेबल डेथ होते हैं ना, जो लोग काफी बड़े बड़े काम करके मरे होते हैं और काफी चीजें अचीव करके मरे होते हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं। तो ये हमें बेसिकली उस इंसान की क्वालिटी बता रहे हैं ना, तो ग्लोरियस क्या हो गया, क्वालिटी वाला एडजेक्टिव हो गया, ठीक है दोस्तों। अब तक तो आपको आइडिया लगना शुरू हो गया होगा कि हम कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि हमने इतने सारे क्वेश्चन देख लिए ऑलरेडी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, अ स्मॉल लीक मे सिंक अ ग्रेट शिप, ये तो सबको पता है कि एक शिप अगर एक बड़े शिप में एक छोटा सा छेद हो जाएगा तो पूरे शिप को डुबा सकता है, तो वही चीज है। तो आप इसमें मुझे एडजेक्टिव बताइए और वो कौन सा टाइप का है वो बताइए। दोस्तों मैं 10 सेकंड्स का टाइम दे रही हूँ, फटाफट ऐसे कीजिए ताकि हम इसे सॉल्व करें और डिस्कस कर लें। तो दोस्तों मैं इसे डिस्कस करूं, तो इसके अकॉर्डिंग अ स्मॉल लीक मे सिंक अ ग्रेट शिप, ठीक है। तो दोस्तों स्मॉल लीक, लीक कैसा लीक, स्मॉल लीक, ठीक है। उसके बाद सिंक अ ग्रेट शिप, कैसा शिप, ग्रेट शिप, आपको यहाँ पे कैसा वाला आइडिया लग रहा है, व्हाट काइंड वाला आइडिया लग रहा है, तो ये कौन से एडजेक्टिव हो गए, डिस्क्रिप्टिव या फिर क्वालिटी एडजेक्टिव हो गए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गए, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, गुड वाइन नीड्स नो बश, ठीक है। तो दोस्तों आपको इसमें मुझे एडजेक्टिव बताने हैं, बहुत आसान है, इसके लिए मैं आपको सिर्फ 10 सेकंड्स दूंगी। दोस्तों जल्दी कीजिए, आपका टाइम ओवर हो रहा है। तो आई थिंक अब मुझे इसे डिस्कस कर लेना चाहिए। तो दोस्तों आपको पता है कि वाइन को फर्दर, वाइन में एक और चीज आ रही है, गुड वाइन ऐड हुई है, आपको एक फर्दर इन्फॉर्मेशन मिली है कि वाइन अच्छी वाइन, तो गुड हमारा हो गया एडजेक्टिव। अब यहाँ पे वाइन की क्वालिटी बता रहा है और क्वालिटी वाले वर्ड्स तो हमें पता ही है क्या होते हैं, या तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होते हैं या सेम चीज है दोनों, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वालिटी वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आई लाइक द लिटिल पेडलर Who has a crooked nose? तो आप इसमें मुझे बताइए कि कौन से एडजेक्टिव्स हैं और किस टाइप को बिलोंग करते हैं, ठीक है।
ये थोड़ा ट्रिकी है, या मैं कॉम्प्लेक्स बोल सकती हूँ, तो मैं 15 सेकेंड्स का आपको टाइम दे रही हूँ, फटाफट इसे कीजिए। तो हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं ये भी बोल सकती थी, आई लाइक द पेडलर हु हैज अ क्रूक नोज। तो बेसिकली लिटिल हमारा हो गया एडजेक्टिव, और साथ में आपको नोज के बारे में भी पता चल रही है कैसी नोज, तो वो भी एडजेक्टिव हो गया। अब लिटिल जो है वो आपको क्वांटिटी का आइडिया दे रहा है, और क्वांटिटी वाले एडजेक्टिव क्या होते थे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो जो हमारा लिटिल हो गया, ये हमारा हो गया क्वांटिटी, मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और क्रूक्ड वो आपको नोज की क्वालिटी के बारे में बता रहा है, तो ये क्रूक्ड क्या हो गया, क्रूक्ड हमारा हो गया क्वालिटी, मतलब एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी वाला पार्ट हो गया। क्रूक्ड आपको नाक की क्वालिटी के बारे में बता रहा है, और लिटिल आपको क्वांटिटी के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। किंग फ्रांसिस वॉज अ हार्टली किंग एंड लव्ड अ रॉयल स्पोर्ट। ठीक है, तो आप इसमें मुझे एडजेक्टिव्स बताइए कौन से, और वो कौन से टाइप को बिलोंग करते हैं। इसको करने के लिए मैं आपको 20 सेकेंड्स का टाइम दूंगी। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो 20 सेकेंड्स। तो दोस्तों आपके पास टाइम है, आप जल्दी से इसे सॉल्व करके बताइए मुझे। तो दोस्तों आपका टाइम ओवर हो चुका है। लेट्स डिस्कस इट। किंग फ्रांसिस वाज अ हार्टी किंग एंड लव्ड अ रॉयल स्पोर्ट। तो अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि कैसा किंग था, और उसके बाद आपको पता चल रहा है कि कौन सा स्पोर्ट उसे पसंद था। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे आइडिया आपको पता चल गया कि एडजेक्टिव्स क्या है। अब आप मुझे जल्दी से बताइए कि कौन से टाइप के एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो मैं आपको उसके लिए 5 सेकेंड्स दे रही हूँ, क्योंकि ठीक है मैंने थोड़ा जल्दी डिस्कस कर लिया, पर 5 सेकेंड्स आप मुझे जल्दी से बताइए कि कौन से एडजेक्टिव्स कौन से टाइप के हैं। दोस्तों मैं आपको एक हिंट देती हूँ, दोनों एक ही टाइप के हैं। ठीक है, तो आप फटाफट मुझे बता सकते हैं, इट्स ओके, मतलब फाइव जल्दी से टाइम ओवर हो रहा है आपका। तो मैं आप डिस्कस करती हूँ। किंग फ्रांसिस वॉज अ हार्टी किंग एंड लव्ड अ रॉयल स्पोर्ट। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्वालिटी बताई जा रही है, दोनों ही वर्ड्स क्वालिटी बता रहे हैं। ठीक है, तो जो चीजें क्वालिटी बताते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो ये हार्टी और रॉयल क्या हो गए हमारे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गए। ठीक है, दोनों ही। अगला क्वेश्चन है, इन द फर्टाइल लैंड द टॉयलसम पेशेंट ऑक्सिन स्टैम। ठीक है, तो अब इसमें मुझे एडजेक्टिव्स बताइए, और वो कौन से टाइप को बिलोंग करते हैं वो बताइए। तो दोस्तों मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं दूंगी इसको करने के लिए, सिर्फ 5 सेकेंड 10 सेकेंड ज्यादा से ज्यादा दे सकती हूँ, तो फटाफट कीजिए आप इसे। तो दोस्तों अब हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इन द फर्टाइल लैंड द टॉयलसम पेशेंट ऑक्सिन स्टैम। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इसमें आपको मुझे बताना है कि कौन कौन से वर्ड्स एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो इन द फर्टाइल टॉयलसम, आपको लैंड के बारे में पता चल रहा है कि लैंड कैसा फर्टाइल और टॉयलसम पेशेंट। तो ये जो तीनों वर्ड्स है, टॉयलसम पेशेंट, ये आपको बेसिकली क्या बता रहा है, ये आपको उनकी जो बेसिकली, देखो फरोड तो आपको लैंड की क्वालिटी बता रहा है, टॉयलसम और पेशेंट आपको ऑक्स की क्वालिटी बता रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी वाली चीज हो गई। तो ये क्या है, क्वालिटी वाली चीज है। ठीक है, मतलब आपको क्वालिटी के बारे में पता चल रहा है, तो तीनों जो वर्ड्स है ये क्वालिटी रिप्रेजेंट करते हैं कैसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, माई अंकल लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस। ठीक है, तो आप मुझे इसका फटाफट, ये बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, तो आई होप ये आप कर लेंगे जल्दी से। 10 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूं मैं आपको, फटाफट कीजिए।
तो दोस्तों मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको. माय अंकल लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, ठीक है. तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट है वो फर्दर इन्फॉर्मेशन दे रहे, तो नेक्स्ट हमारे एडजेक्टिव हो गया. लेकिन नेक्स्ट एक डिस्क्रिप्टिव वर्ड है, आपको फर्दर डिस्क्रिप्शन दे रहा हो. डिस्क्रिप्टिव या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एक ही चीज होती थी, तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्क्रिप्टिव हो गया. ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सम ड्रीम्स आर लाइक रियालिटी. तो आप इसमें मुझे एडजेक्टिव्स बताइए और उसके बाद वो कौन से टाइप को बिलोंग करता है वो बताइए. तो दोस्तों इसे डिस्कस कर लेते हैं, ज्यादा मुश्किल है नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी ऐसे एग्जांपल शुरू में करके आ चुके हैं. ठीक है, एंड होने वाला है बट शुरू शुरू में हमने ऐसे एग्जांपल देखे थे. तो सम ड्रीम्स आर रियलिटी, ठीक है. यहाँ पे जो सम है ना वो हम सम हमारा एडजेक्टिव है, बट कैसे और कौन सा. तो दोस्तों हमने बात की थी ड्रीम्स को यहाँ पे हम ट्रीट कर रहे हैं कि ठीक है कुछ सपने सच होते हैं, बट दोस्त तो क्या यहाँ पर जो आपको पता है कि कितने सपने, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता ना. और जब आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता तो हम उसे क्या बोलते थे, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव. तो ये कौन सा एडजेक्टिव हो गया हमारा, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव. ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अ क्रॉस चाइल्ड इज नॉट लाइक्ड, ठीक है. तो आप मुझे बताइए कि इसमें कौन सा एडजेक्टिव यूज हो रहा है और कौन सा टाइप यूज हो रहा है, ठीक है. तो हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बहुत इजी है, इसमें 5 seconds भी मोर देन एनफ है. तो क्रॉस चाइल्ड इज नॉट लाइक, तो कैसा चाइल्ड, यहाँ पे ये जो आपको चाइल्ड के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, डिस्क्रिप्टिव या फिर क्वालिटी एडजेक्टिव हो गया, ठीक है. डिस्क्रिप्टिव या फिर क्वालिटी एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है. तो अगला वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं. अगला वाला क्वेश्चन है इट इज एन इल वेन दैट, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों. तो मैं इसमें चलो आपको थोड़ा टाइम दे दूंगी करने का, ताकि हम लास्ट वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लास एक अच्छे नोट पे एंड करें. तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपको मैं टाइम दूंगी. इट इज एन इल वेन दैट ब्लोज नो बडी एनी गुड, ठीक है. तो आपको मैं इसको करने के लिए 20 seconds का टाइम देती हूँ. आप फटाफट इस क्वेश्चन को करिए. तो दोस्तों एक्सप्लेन इट स्टार्ट करती हूँ मैं. इट इज एन इल विंड, कैसी विंड, सॉरी ये थोड़ा इसके ऊपर आ गया मुझे. इट इज एन इल विंड दैट ब्लोज नो बडी एनी गुड, ठीक है. तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि क्यों कौन से वर्ड्स एडजेक्टिव्स हैं. तो दोनों ही बेसिकली क्वालिटी डिस्क्राइब कर रहे हैं, दोनों ही डिस्क्रिप्टिव हैं, ठीक है. तो ये कौन से एडजेक्टिव्स हो गए, ये क्वालिटी वाले एडजेक्टिव्स हो गए. तो ये बहुत इजी था, इतना मुश्किल नहीं था. इट वाज द लास्ट क्वेश्चन, इसमें मैंने आपको थोड़ा टाइम दिया सॉल्व करने के लिए, वरना ये आसान है, ठीक है. तो आपको पता चल गया ये कौन से एडजेक्टिव. तो दोस्तों आज की क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए, हमने सारे टाइप्स कवर कर लिए, क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, इंटरोगेटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है. तो दोस्तों आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे. अगली क्लास में हम थोड़े से एडजेक्टिव्स के टाइप बच गए हैं वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद थोड़े क्वेश्चंस और कैसे नाउन्स को हम एडजेक्टिव्स में कन्वर्ट कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है. तो मैं चाहूंगी अगर आपको कोई भी डाउट है या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आई है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए हमेशा प्रेजेंट हूँ, ठीक है. तो दोस्तों टेक केयर और सारी चीजें अच्छे से रिवाइज करिए. बाय बाय दोस्तों.